हेलो दोस्तों, फॉरेन की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं बताना चाहूंगी कि मेरा नाम है कोमल और मैं रहती हूँ जर्मनी में और बनाती हूँ इंटरेस्टिंग वीडियोस अराउंड जर्मनी एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज। आज का वीडियो इन्फॉर्मेशन वाला होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो जर्मनी आ रहे हैं एज अ स्टूडेंट या एज अ वर्किंग प्रोफेशनल। तो ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो कौन सी सारी चीजें आपने करनी है जैसे ही आप जर्मनी पहुंच जाते हो। और इससे पहले कि हम हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट करें, मैं बताना चाहूंगी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपने करने हैं जर्मनी आने से पहले। तो उसके लिए अगर आपने मेरी पैकिंग लिस्ट ऑफ जर्मनी की वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर चेकआउट करना, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में मेंशन किया है कि आपने कितनी करेंसी कैरी करनी है और ये सारी डिटेल्स उसमें दी है। तो वो आपको जरूर पता होनी चाहिए कि आपने कितना कैश कैरी करना चाहिए। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है अकोमोडेशन। भैया यहाँ पे अकोमोडेशन मिलना बहुत मुश्किल है, तो मेक श्योर कि आप जर्मनी आ रहे हो तो उससे पहले अकोमोडेशन का कोई ना कोई इंतज़ाम ज़रूर करना। ऑनलाइन आपको बहुत सारी वेबसाइट्स है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो आप रेफर कर सकते हो अकोमोडेशन ढूंढने के लिए। तो मेक श्योर कि आपका अकोमोडेशन का भी सारा सीन सॉर्टेड हो, ताकि जब आप इस नए कंट्री में आओ तो ऐसा ना हो कि आपको रहने का कोई इंतज़ाम नहीं है और आपको ज़्यादा पैसे देके कहीं होटल में वगैरह रहना पड़ रहा हो। तीसरा पॉइंट मैं कहना चाहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपकी ज़िंदगी आसान बनाएगा, स्पेशली अगर आप जर्मन लैंग्वेज थोड़ा तो सीख के आओ। क्योंकि यहाँ पे जब आप नए हो और इस कंट्री में आओगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जर्मन में ही दिखेगी, राइट फ्रॉम सुपरमार्केट और इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफिसेस में भी सारा जर्मन में होता है। तो थोड़ा एटलीस्ट कुछ जर्मन सीख के आओगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। तो अभी बात करते हैं उन पॉइंट्स की जो आपने करने हैं जर्मनी पहुंचने के बाद, और उसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट। एक बार आपके पास अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपकी सारी प्रोसेस जर्मनी में सेटल होने की स्टार्ट कर सकते हो, राइट फ्रॉम योर सिटी रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट, ये सारी जो आगे की प्रोसेस है ये डिपेंड होती है अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट पे। तो एज्यूम कि आपने अकोमोडेशन ढूंढ ली है तो उसके बाद आपने इन्फॉर्म करना है द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो कि आपका अराइवल कब है जर्मनी में, ताकि उसके अकॉर्डिंगली आप की कलेक्ट करने का टाइम डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि वीकेंड पे यहाँ पे सब कुछ बंद होता है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि जिस दिन आप अराइव करते हो जर्मनी और जिस दिन आप अकोमोडेशन पहुँचते हो उस टाइमिंग पे आपको हेल्प करने के लिए और आपको कीज प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे कोई हो। तो जैसे ही आप मूव इन करते हो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने करनी है, एंड दैट इज़ कि आपके पोस्ट बॉक्स पे आपका फुल नेम लिखना है, बिकॉज जर्मनी में सारी जो आगे प्रोसेस स्टार्ट होगी उसके लिए आपको बहुत सारे लेटर्स आने वाले हैं। तो जस्ट सो दैट यू डोंट मिस एनी इम्पॉर्टेंट लेटर, आपने पोस्ट बॉक्स पे आपका फुल नेम मेंशन करना है। अगर आप एज अ स्टूडेंट जर्मनी आ रहे हो तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि सबसे पहले तो आप आपकी यूनिवर्सिटी जाओ और एनरोलमेंट करो, और साथ में ही ना एक सेमेस्टर टिकट भी मिलता है, तो वो सेमेस्टर टिकट कलेक्ट करना मत भूलना। तो जर्मनी में एक बार आप रहना शुरू करते हो तो विद इन 2 वीक्स आपने करना होता है सिटी रजिस्ट्रेशन। तो सिटी रजिस्ट्रेशन को अनमेल्डिंग भी कहते हैं, जिसको आप जाके करवा सकते हो रात हाउस में, और उसके लिए आप अपॉइंटमेंट चेक कर लेना और आपका सिटी रजिस्ट्रेशन करवा लेना। और डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं दैट इज़ पासपोर्ट एंड अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट, ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूर लेके चलना। और जर्मनी पहुंचने के बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको लगेगी दैट इज़ सिम कार्ड। तो सिम कार्ड यहाँ पे ऑप्शंस बहुत है, जैसे लाइका मोबाइल, लिब्रा, इनके आप सिम कार्ड खरीद सकते हो। उसके लिए आपको बस पासपोर्ट लेके जाना है और आपको सिम कार्ड मिल जाएगा, और आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा प्लान चाहिए। तो आपको ये बेसिकली जर्मनी का नंबर लगेगा आपके बैंक अकाउंट के प्रोसेस के लिए। और अभी बैंक अकाउंट की बात कर ही रहे तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स ने क्या करना है। तो स्टूडेंट्स ने तो आके सबसे पहला अपना ब्लॉक्ड अकाउंट है वो एक्टिवेट करना है, और उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स जो लगेंगे वो है अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट, सिटी रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट, और वही अपने ब्लॉक्ड अकाउंट की डिटेल्स। तो ये अगर आप लेके जाते हो तो आपका ब्लॉक्ड अकाउंट भी एक्टिवेट हो जाएगा, और एज अ वर्किंग प्रोफेशनल भी आप यहाँ पे आसानी से बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। मेरे एक्सपीरियंस से मैं रिकमेंड करूँगी कॉमर्स बैंक और N26, इनकी बहुत सारी प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन ईजिली अवेलेबल होती है, सो दैट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल। और ये बैंक के जो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एग्जाम्पल डेबिट कार्ड और पासवर्ड वगैरह, ये सारे लेटर से आ जाते हैं आपके पोस्ट बॉक्स में। तो इसलिए जब आप ये सारी प्रोसेस करते हो तो बार बार आपने ये भी चेक करना है कि आपको कोई लेटर आ रहा है या नहीं, तो उसके हिसाब से आप फिर आपका ऑनलाइन बैंकिंग भी एक्टिवेट कर सकते हो।
अभी बात करते हैं रेसिडेंट परमिट के बारे में। तो देखो, इनिशियली जब आप जर्मनी में आते हो तो वो आपको ना 3 महीने तक का वीज़ा देते हैं। तो आपका काम होता है कि ये जो वीज़ा होता है उसको कन्वर्ट करना रेसिडेंट परमिट पे। तो ये प्रोसेस होती है आउसलैंडर बेहोर्डर पे। तो वहाँ पे चेक करना कि कब की अपॉइंटमेंट अवेलेबल है और रेसिडेंस परमिट के लिए आप फिर अप्लाई कर सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने जर्मनी आके करनी है, एंड दैट इज़ द हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस होती है मैंडेटरी जर्मनी में। और यहाँ पे दो काइंड ऑफ इंश्योरेंसेस होती है, एक होती है पब्लिक इंश्योरेंस और दूसरी होती है प्राइवेट। तो जो पब्लिक इंश्योरेंस है उसमें तो आती है टीके इंश्योरेंस या AOK, और प्राइवेट में भी आप ले सकते हो प्राइवेट इंश्योरेंस। बट यही एक रहता है कि एक बार अगर आप प्राइवेट इंश्योरेंस ले लो तो प्राइवेट से पब्लिक में मूव होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करें तो दोनों पार्टनर्स में से अगर एक पार्टनर वर्किंग है तो द अदर पार्टनर और बच्चे जो है वो इंश्योरेंस में कवर्ड होते हैं। फिर जर्मनी में एक कॉन्सेप्ट होता है TV रेडियो का टैक्स। तो भले ही आप TV देखो नहीं देखो, रेडियो यूज़ करो नहीं करो, फिर भी यहाँ पे एक TV रेडियो का टैक्स देना होता है। तो वो होता है 18.36 यूरो पर हाउस होल्ड। तो इसके लिए भी आप रजिस्ट्रेशन करवा लेना क्योंकि ये मैंडेटरी होता है। तो अभी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंडेटरी नहीं है, बट अगर वो आप करते हो तो आपकी लाइफ थोड़ी जर्मनी में यहाँ पे आसान होगी। जैसे कि हाउस आर्ट्स, हाउस आर्ट्स मतलब होते हैं फैमिली डॉक्टर। वैसे किसी को यहाँ पे ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए ऐसे फैमिली डॉक्टर को विजिट करने की, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं बताती हूँ कि जनरली जर्मनी में हर कोई एक फैमिली डॉक्टर को रजिस्टर करता है, क्योंकि कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो फैमिली डॉक्टर, क्योंकि आप डायरेक्टली किसी स्पेशलिस्ट के पास वगैरह नहीं जा सकते हो। पहले आपने फैमिली डॉक्टर के पास जाना होता है और फिर वो आगे रिकमेंड करते हैं किसी स्पेशलिस्ट को विजिट करना। तो इसलिए आने के बाद हाउस आर्ट्स को भी रजिस्टर करवा लेना। फिर है इंटरनेट कनेक्शन, क्योंकि इंटरनेट के बिना तो आजकल तो काम होता ही नहीं है। भले ही आपको वर्क फ्रॉम होम करना हो या भले ही आपको एज अ स्टूडेंट कोई लेक्चर्स अटेंड करने हैं, और यहाँ पे तो जियो का कॉन्सेप्ट है नहीं कि यहाँ पे आपको एक एक दिन में 5-5, 10-10 GB डेटा मिलेगा। तो चेक करना कि आपके एरिया में कौन से इंटरनेट प्रोवाइडर्स है और उसके हिसाब से आप प्लान ले सकते हो। वैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जो है जर्मनी के सैटर्न मीडिया मार्ट, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे भी आपको आसानी से इंटरनेट कनेक्शन मिल जाएंगे। और एक चीज़ जो जर्मनी में आपको इनिशियली हेल्प करेगी और वो है कुछ ऐप्स, फॉर एग्जांपल ट्रैवल ऐप्स। आप डाउनलोड कर सकते हो डॉयचे बान ऐप या RMV, इससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ट्रेन का टाइमिंग्स कब है और उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। और गूगल मैप्स तो आई थिंक हर किसी के पास होना ही चाहिए, एंड इनफैक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट गूगल ट्रांसलेटर। इसके बिना तो काम चलना मुश्किल है, स्पेशली अगर आपको जर्मन नहीं आती, क्योंकि सुपरमार्केट हो, ट्रेन स्टेशन हो, कहीं पे भी जाना हो, सारी चीज़ें होगी जर्मन में। तो ट्रांसलेटर तो आपको बहुत काम आने वाला है। प्लस वाईफाई फाइंडर, अगर इनिशियली आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है या डेटा इश्यूज है तो आप वाईफाई फाइंडर भी यूज़ कर सकते हो। इस ऐप से आपको पता चलेगा कि नियर बाय आपके वाईफाई कहाँ अवेलेबल है, तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और कभी अगर आपको खाना बनाने का मन ना हो तो यहाँ पे जर्मनी में एक बहुत कॉमन फूड डिलीवरी ऐप है जिसका नाम है लीफरांडो, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये रहे सारे पॉइंट जो आपने ध्यान रखने हैं और करने हैं जर्मनी पहुंचने के बाद। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही हो। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स पे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। और आप मुझे DM भी कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है फॉरेन की दुनिया, वहाँ पे भी ज़रूर फॉलो करना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, इसे शेयर करना और भी लोगों के साथ, और सब्सक्राइब करना आपके चैनल फॉरेन की दुनिया को। और मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, Auf Wiedersehen!